अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करने से पहले महाबली भगवान के दर्शन होंगे। राम की नगरी में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट एक नई योजना बना रहा है, जिसके तहत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन से पहले भगवान के सबसे बड़े भक्त हनुमान के दर्शन होंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसका मतलब है कि धर्म नगरी अयोध्या में जब कोई भक्त रामलला के दर्शन करने आता है, तो उसे सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करना होता है। उनकी आज्ञा के बाद ही भक्तों को रामलला के दर्शन मिलते हैं। शायद यही वजह है कि अब भगवान रामलला के अनन्य सेवक हनुमान जी की भी स्थापना मंदिर में की जाएगी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर के एंट्री गेट पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी में है। मान्यता है कि श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी से इजाजत लेनी पड़ती है, और इस मान्यता के तहत ही राम मंदिर के एंट्री गेट पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी। ये प्रतिमा गर्भगृह की सीढ़ियों पर रखी जाएगी। इसके अलावा भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए तमाम प्रतीक राम मंदिर की सीढ़ियों पर बनाए जाएंगे, जिसमें दो सिंह के साथ दो हाथी और हनुमान जी के अलावा गरुड़ की प्रतिमा होगी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर दाएं और बाएं तरफ लगाई जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो जिस पत्थर से प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उन्हीं पत्थरों से इन सभी प्रतिमाओं का भी निर्माण किया जाएगा। उनका कहना है कि राम मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर दो सिंह, दो गज, एक हनुमान जी और एक गरुड़ जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। यह सब प्रतिमा उन्हीं पत्थरों से बनाई जाएगी जिनसे प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि गरुड़ जी और हनुमान जी की प्रतिमा गर्भगृह के पहले प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ लगाई जाएगी। पीपी न्यूज़ दिल्ली।